लखनऊ के पंतनगर में मकान पर लगे लाल निशान, गुस्साए लोगों ने किया साइलेंट विरोध प्रदर्शन। उपचुनाव की लड़ाई, किसका जोश हाई, बीजेपी की अहम बैठकें जारी। विधानसभा की तैयारियों में जुटी कांग्रेस, संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस के नेता बना रहे प्लान। यूपी के 20 जिलों में बाढ़ का कहर, गंगा और गोमती भी उफान पर। तेज रफ्तार गैस टैंकर ने कार को मारी टक्कर, एक सब इंस्पेक्टर की मौत। नमस्कार, मैं हूं काजिम अब्बास और वक्त हो चुका है 4 बजे चार बड़ी खबरों का, सिर्फ प्राइम टीवी पर। आपको बता दें कि यहां पंतनगर पे एक विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां महिलाओं का कहना है कि वो किसी भी हाल में घर को बचाएंगी और टूटने नहीं देंगी। आपको बता दें कि पंतनगर में करीब 800 मकान पर LDA सिंचाई विभाग ने लाल निशान लगा दिए हैं, यानी कि वहां की जमीनों और घरों को अवैध रूप से कब्जा किया हुआ बताया जा रहा है। अब देखने वाला होगा कि इस विरोध प्रदर्शन से क्या कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि हाल ही में उत्तर प्रदेश में ऐसे कई इलाके हैं जहां ऐसी कार्रवाई देखने को मिली थी। तो जैसे कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पंतनगर में जहां पर महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया, और आप देखिए विजुअल्स में मुंह बंद और जैसे गांधी जी के 3 बंदर का जो एक मैसेज है कि बुरा ना सुनो बुरा ना कहो, उसी तरीके से गांधीगिरी वाला विरोध प्रदर्शन पंतनगर में, ये लखनऊ का पंतनगर है। आपको बता दें पूरा मामला है, यहाँ पर LDA की तरफ से लाल निशान लगाए गए हैं घरों पर, यानी कि अवैध रूप से कब्जा करने का यानी कि आरोप होगा, तभी यहाँ पर लाल निशान लगाए गए हैं, जिसके बाद से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जारी है और इस पर पॉलिटिकल भी रिएक्शन और हर तरीके से चीज़ें चल रही हैं। आपको बता दें कि महिलाओं का कहना है कि वो किसी भी हाल में अपने घर को बचाएंगी और टूटने नहीं देंगी। आपको बता दें कि पंतनगर में करीब 800 मकानों पर LDA सिंचाई विभाग ने लाल निशान लगा दिए, यानी कि वहाँ की ज़मीनों को और घरों को अवैध रूप से कब्जा किया हुआ बताया है। और हमारे साथ कलीम जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। कलीम जी, ये बताइए पूरी खबर, पूरा मामला बताइए हमारे दर्शकों को। अगर बात की जाए अकबरनगर में जो मूर्तिकरण का मामला हुआ था, क्योंकि वहां पर जो गोमती रिवर फ्रंट बनाने का जो मामला है, जो कि गोमती रिवर फ्रंट वहां पर बनाया जाएगा, कुकरेल रिवर फ्रंट जो है, और उस जगह पर जो लोगों के द्वारा अवैध कब्जा किया गया है, उन्हीं अवैध कब्जों को लेकर के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। क्योंकि अभी पहले अकबरनगर टूटा है, अब जो फेज 2 की बात किया है, वहां पर ध्वस्तीकरण कराया जाएगा, जिसमें LDA के द्वारा खुर्रम नगर, पंत नगर, इंद्रप्रस्थ नगर और रहीम नगर के बाद अवरा नगर में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चलेगी। फिलहाल जिस तरीके से वहां पर जो लोगों का विरोध है, लोगों का विरोध साफ तौर से ये बता रहा है कि उनके पास मकानों की रजिस्ट्रियां हैं, और अगर बात की जाए दाखिल खारिज को लेकर के, तो दाखिल खारिज भी कराया गया, उसके बावजूद अब वहां पर उस जमीन को अवैध बताते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि लाल निशान लगा दिए गए हैं। उसके बाद अब लोगों ने जो विरोध जताना शुरू किया है, तो अपने मकानों के बाहर जो मकानों की रजिस्ट्रियां हैं, उन रजिस्ट्रियों को चिपकाना शुरू कर दिया है, और उन रजिस्ट्रियों को चिपकाने के साथ साथ ये कहा जा रहा है कि अगर ये सरकारी कागज भी अवैध है, तो फिर उनको वैध क्या है। और उन्हीं सब की अगर बात की जाए, तो वहां पे जो बच्चे हैं, बच्चे भी लगातार अपना विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर आज की तस्वीर देखी जाए, तो आज की तस्वीर ये है कि वहां पर गांधीगिरी के तर्ज पर पूरा जो विरोध है वो दिखाया जा रहा है, यानी कि जो महिलाएं बैठी हुई हैं, महिलाओं में कुछ लोगों ने आंखें बंद कर रखी हैं, तो कुछ लोगों ने मुंह बंद रखा है, तो कुछ लोगों ने कान बंद रखे हैं। तो यानी कि साफ तौर से गांधी जी का जो मैसेज है, उस मैसेज के तर्ज पर आज पूरी तरीके से विरोध दिखाया जा रहा है। जी बिल्कुल, ये मैसेज है जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, इससे मैसेज देना चाह रहे हैं लोग सरकार को कि यहाँ पर आँख कान मुंह बंद करके विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि उनके पास रजिस्ट्री है, बावजूद इसके वहाँ पर लाल निशान लगा दिए गए। लेकिन अब मोहम्मद कलीम, ये बताइए कि अब क्या करेंगे ये लोग, रजिस्ट्री के जो पेपर है उसको ही अगर अवैध बता देंगे तो सर लोग जाएंगे कहाँ? देखिए फिलहाल जिस तरीके से वहां पर बात की जाए,
कि वहाँ पे अवैध घोषित किया गया है, क्योंकि उन अवैध घोषित करने के साथ साथ जो वहाँ पर जो लोग हैं वो कोर्ट का रास्ता अपना रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो दाखिल खारिज की बात की जाए वो दाखिल खारिज दिखाया जा रहा है, लेकिन कोर्ट का रास्ता अपनाने के साथ जो बताया ये जा रहा है कि जिस समय उन लोगों ने वहाँ पर मकान बनाया था तब जो नदी की से दूरी है वो लगभग जो 200 मीटर की दूरी है उससे अधिक थी, लेकिन अब जो नदी का दायरा है वो क्योंकि पानी की जो धार है वो काटते हुए बढ़ती जाती है, तो अब की जो मौजूदा स्थिति है उससे जो नपाई हो रही है उस नपाई के आधार पर उन लोगों के मकान है वो अवैध घोषित किए गए हैं, और वो अवैध घोषित करने के साथ साथ जो अब लोगों का विरोध है वो विरोध अब पूरी तरह से आक्रोश में व्याप्त होता जा रहा है, और जिसको लेकर के लगातार पुलिस भी वहां पर तैनात कर दी गई जिससे कि वहां पर किसी तरह का कोई भी हिंसा की बात की जाए वो ना हो पाए, क्योंकि अकबर नगर की जो धरती करोड़ की कार्रवाई के बीच जो जी बिल्कुल मोहम्मद कलीम, अकबर नगर का जो मामला था वो भी इसी तरीके का था। अब ये बताइए कि इस पर क्या राजनीतिक रिएक्शन आए हैं क्या इस पर, क्योंकि ये ऐसे मुद्दे होते हैं कि जहां सरकार बुलडोजर चला देती है अवैध मकानों पर, जहां लोग दसों साल से रह रहे होते, इतने सालों से अब वहां की रजिस्ट्री को फेक बता दिया, अवैध बता दिया, तो पॉलिटिकल रिएक्शन इस पर कोई आए हैं? देखिए जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से अब ये पंत नगर में जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पहुंची थी कि वहां पर जो विकास किया गया था, विकास करने के दौरान जो वहां पर पत्थर लगाए गए थे सरकारी, उन पर जो नाम लिखे गए थे, उन सभी चीजों को लेकर के अब राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी अब इसमें शामिल होती हुई नजर आ रही, क्योंकि अगर कल की तस्वीरों की बात की जाए वहां पर समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता पहुंचे थे, उन्होंने लोगों से संवाद किया था और लगातार विरोध भी दिखाया था, वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर बात की जाए वो भी देर शाम पहुंचे थे, और कांग्रेस पार्टी के भी कुछ कार्यकर्ता वहां पर पहुंच करके सरकार का विरोध करते हुए नजर आ रहे थे। इन सभी चीजों को तर्क को लेकर के अगर देखा जाए तो राजनीतिक पार्टियां भी अब साफ तौर से सरकार पर निशाना साधते हुए उन जगहों को शामिल कर चुकी है और विरोध प्रदर्शन भी करती नजर आ रही है। जी, तो ये मान लिया जाए कि ऐसे जो मुद्दे हैं इससे इम्पैक्ट कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अब जो आगामी चुनाव है विधानसभा के उपचुनाव उस पर इम्पैक्ट करेगा? देखिए जाहिर सी बात है क्योंकि जिस तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव की बात की जाए, क्योंकि इससे पहले लोकसभा जो चुनाव था, लोकसभा चुनाव में जिस तरह से अकबर नगर के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई थी, रहीम नगर के पास अगर बात की जाए, पेपर मिल कॉलोनी के पास जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई थी वो असर देखने को मिला था, लेकिन अब अगर बात की जाए एक बड़ा दायरा जो छूटने की बात है तो वहां भी कहीं ना कहीं जो यूपी विधानसभा का चुनाव है उसमें भी कहीं ना कहीं ये काफी असर देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद कलीम, हमारे संवाददाता ने ग्राउंड रिपोर्ट बताई कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है, महिलाओं ने जो अनोखा विरोध प्रदर्शन किया है और जो रजिस्ट्री दिखाई वो भी अवैध है, और उसके बाद से एलडीए ने यहाँ पर घरों पे लाल निशान लगा दिए। वहीं कांग्रेस आरक्षण के जरिए सियासी बढ़त बनाए रखने की कोशिश में है, इसके आरक्षण का मुद्दा अहम है, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे को हवा देने का फायदा मिला उसी तरह से आगामी विधानसभा उपचुनाव में ये सियासी तौर पर कारगर हथियार का साबित हो सकता है। कांग्रेस आरक्षण के मुद्दे को निरंतर धार देगी, इसके लिए प्राइवेट पार्टी नौकरी में भर्ती के लिए आरक्षण की मांग करेगी, साथ ही संविदा एवं आउटसोर्सिंग की भर्तियों में आरक्षण का पालन कराने के लिए आंदोलन करेगी। यह आंदोलन अगस्त से शुरू होगा, जिला मुख्यालय के साथ जहां पर संबंधित संस्थान होंगे उसके आसपास प्रदर्शन कर राज्यपाल और राष्ट्रपति को पत्र भेजा जाएगा। इसकी जिम्मेदारी पिछड़ा वर्ग विभाग को सौंपी गई है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में भी आरक्षण को कांग्रेस पार्टी और पूरे इंडिया अलायंस ने एक बड़ा मुद्दा बना दिया था, और अब आगामी जो उपचुनाव है और उसके बाद 2027 के 403 सीटों पर विधानसभा चुनाव है उसको मद्देनजर आरक्षण को एक बड़ा मुद्दा बना रही है। बड़ा मुद्दा कैसे? प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण की मांग करती है, मतलब अभी तक आप जाते हैं प्राइवेट जॉब्स करते हैं जहां पर आप जाएंगे अप्लाई कर देंगे, लेकिन अब उसमें भी अगर आरक्षण आ जाए तो आप सोचिए क्या फर्क पड़ेगा इन सारी चीजों पर, प्राइवेट नौकरी में आरक्षण और आरक्षण के मुद्दे को कितना धार दे पाएगी कांग्रेस वो तो वक्त बताएगा। अब देखना यह है कि आरक्षण पर जो अगस्त में आंदोलन करेगी कांग्रेस उसके बाद भारतीय जनता पार्टी उसको कैसे टैकल करती है यह भी देखने वाला है, क्योंकि आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है और उत्तर प्रदेश में 403 सीटें, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां लोकसभा में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था, 80 में से तकरीबन 43 सीटें आई थी, और वहीं भारतीय जनता पार्टी 30-35 के आसपास रही थी। तो आप समझ लीजिए आरक्षण को कितना बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा,
403 सीटें और आरक्षण और पूरा उत्तर प्रदेश, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर पूरी कैलकुलेशन है, सारी गणित है, सारे दलित हैं, सारे अलग जातियाँ हैं, और आरक्षण को अगर मुद्दा, इतना बड़ा मुद्दा कि प्राइवेट जॉब में आरक्षण, उससे कितना फ़ायदा होगा आप समझिए। ये पूरा जो मास्टर प्लान चल रहा है कांग्रेस का, वो कौन कर रहा है इतना बड़ा मास्टर प्लान आरक्षण को लेके, प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण? और कोशिश कर रहे हैं इस पर एक पॉलिटिकल रिएक्शन का, कि आरक्षण को और विस्तार से कांग्रेस के मास्टर प्लान को बताएंगे। सिर्फ प्राइम टीवी पर आप ये खबर देख रहे हैं अभी, प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण, कांग्रेस की मांग, कांग्रेस की डिमांड, और कांग्रेस का बड़ा आंदोलन होगा आरक्षण पर। कांग्रेस का प्लान क्या होगा? ये मांग प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण की, इससे क्या फर्क पड़ेगा ये देखने वाला है, क्योंकि जो कॉरपोरेट सेक्टर है वो बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है पूरे भारत में। अब उसमें सोचिए कि आप, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो सरकारी नहीं होती हैं, जहां पर आप जाते हैं लाखों लोग, लाखों करोड़ों लोग कमाते हैं पैसा, और वहां पर अगर आरक्षण होगा तो वो मैनेज कैसे होगा, उसको कैसी, उसकी पूरी जो क्रोनोलॉजी है वो कैसी होगी, वो देखने वाली होगी, क्योंकि अभी तक ऐसा मुद्दा नहीं उठाया गया था। लेकिन अब इस पर भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, वो भी सोचने वाला होगा। तो वहीं आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस ने एक बड़ा दांव खेला है, आरक्षण को प्राइवेट नौकरियों से जोड़ दिया। प्राइवेट नौकरी, जैसे हमारी और आपकी प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण,